तो आपका क्या कहना है कि हाउ कैन यू लुक फॉर इंस्पिरेशन आप आइडियाज कैसे ढूंढते हो फॉर डिजाइन दैट यू मेक हम्म हम्म एक्चुअली ना मैंने नोटिस किया है कि आइडिया जनरेशन का प्रोसेस जो है ना वो हर एक का काफी डिफरेंट है अगर जैसे अभी मैं बोलूँ मेरे आइडियाज कैसे जनरेट होते हो तो हो सकता है वो प्रोसेस आपके लिए ज़रा भी यूजफुल हो ही ना मतलब बोले ये तो क्या बोले तो कुछ भी बोल रहा है ऐसा हो जाएगा जैसे मैं क्या करता हूँ ना जब मुझे भी ऐसा बहुत बार होता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ किसी वीडियो पर काम कर रहा हूँ और अचानक से ब्लैंक हो जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करूँ तो मैं क्या करता हूँ ना कोई मूवी देखने चले जाता हूँ कोई स्पेसिफिकली अगर कोई विजुअल इफेक्ट्स वाली मूवी होगी मतलब मार्वल डीसी वगैरह की कोई मूवी होगी तो वो मैं देखने चले जाता हूँ या वो देख लेता हूँ तो उस मुझे काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी मेरा वो प्रोसेस है कि मेरा दिमाग काफी खुल जाता है वो सब विजुअल इफेक्ट्स वगैरह मोशन ग्राफिक्स के मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है एंड्रू क्रेमर वगैरह उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ तो काफी मजा आता है हालांकि मैंने वो पॉडकास्ट पहले दो तीन बार सुन लिया होगा बट फिर से सुनता हूँ तो ना दिमाग थोड़ा ओपन अप हो जाता है तो मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना वो काफी काम करती है इंस्पिरेशन लाने में या यू नो क्रिएटिव प्रोसेस को और बढ़ाने में फिर इंटरेस्ट पे जाके मैं कोई अच्छे अच्छे जो डिजाइनर्स हैं उनके डिजाइन देखता हूँ तो उससे काफी ज्यादा आइडियाज और इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरे ख्याल से वही हर एक का थाट प्रोसेस जो है वो अलग है अभी मेरे लिए ये जो प्रोसेस है वो काम करता है वैसा और मुझे क्या लगता है कि अगर आप डिजाइन या कुछ भी सीख रहे हो ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है जैसे मैं अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग तो मैं कोई मूवी देखता हूँ कोई सीरीज देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उन्होंने ये कट यहाँ पे क्यों करा ये म्यूजिक इफेक्ट क्यों डाला ये जूम क्यों किया मेरा दिमाग उस तरफ चलता है अब मैं सिर्फ इन्जॉय करने के लिए नहीं देखता मैं अब उसमें साइंस भी ढूंढता हूँ उसके पीछे की तो मेरा ये मानना है कि ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज सीख रहे हो तो एक्जैक्टली exactly. और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी पहले भी बात की है बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग इंस्पिरेशन कैसे ले मैं इंस्पिरेशन लेने जाता हूँ तो मैं उसका जो सेम बनाया है वो बना देता हूँ <laughs> ले ही नहीं पाता तो वो ऑब्जर्व करना जैसे आपने कहा ना ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अगर इस, इस बंदे ने कलर कॉम्बिनेशन लिया है तो क्यों लिया होगा <laughs> क्या अच्छा दिख रहा है मुझे इस डिजाइन में इसका जो लेआउट है वो क्यों इतना अच्छा दिख रहा है बहुत सारे लोग टाइपोग्राफी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनका डिजाइन बहुत अच्छा रहता है बट जो टेक्स्ट यूज करते हैं ना वो काफी खराब रहता है या उसकी जो कॉम्पोजिशन रहती है वो सही सी नहीं होती तो उनको क्वेश्चन रहता है कि यार मैं इसको ठीक कैसे करूँ तो ठीक क्या ऑब्जर्वेशन से होगा और प्रैक्टिस से होगा ये क्या मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा आपको ये ये करना है और अब वही करोगे तो उससे नहीं होने वाला ठीक वो प्रैक्टिस लेगा टाइम लेगा तो वो आई थिंक विल डेफिनेटली हेल्प